जब भी नेटफ्लिक्स के कंटेंट की बात आती है तो भाई एक्साइटमेंट की मीटर टॉप पे चली जाती है। इनकी कंटेंट में कुछ नया देखने को जरूर मिलेगा। तो आज की वीडियो में हम ऐसे ही ढूंढ कर नेटफ्लिक्स की तरफ से डोनेट थ्री की 10 बेहतरीन वेब सीरीज लाए हैं जो भरोसा रखिए आपका टाइम डिजर्व करती है, जिनमें बोनस सीरीज भी होंगी जो हमेशा की तरह इस लिस्ट से भी बेस्ट होंगी, तो मिस ना करिएगा। तो आइए चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे टॉप रिव्यू टेलीग्राम पे। नंबर 7 की सीरीज, अगर आप एक हिस्टोरिकल ड्रामा ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड टाइप सीरीज देखना चाहते हैं तो इसे एक ट्राई दे सकते हैं। नेटफ्लिक्स की तरफ से डोनेट थ्री की हिस्ट्री ड्रामा के साथ ट्रांसलांटिक स्टोरी भाई 1940s वर्ल्ड वॉर टू के दौरान फ्रांस में सेट है, जहां कैसे एक जर्नलिस्ट 2000 से भी अधिक रेफ्यूजी को अमेरिका तक सेफ पहुंचाता है, कैसे भाई वो आप इस सीरीज में देखकर एक्सपीरियंस करो। बात करें सीरीज की सबसे बेस्ट पार्ट की तो भाई इसकी डायरेक्शन, वो 1940s की सेट डिजाइन जो आपको कहीं पे भी फील नहीं होने देगी, जिसके वजह से आप सीरीज में कनेक्टेड रहते हो। पर वही नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो भाई इसकी प्रेजेंटेशन स्टोरी से भटकाने की काम करती है। कुछ ऐसे ऐसे सीन है जो जबरदस्ती का फील होता है, जिनका कोई मतलब नहीं बनता एंडिंग में। थोड़ी थ्रिलिंग और वो टेंशन बिल्ड करते तो और भी अच्छा होता, बीच की एपिसोड फील ना होती। पर कोई नई सीरीज वन टाइम मस्ट वॉच रहेगी, हिंदी डबिंग के साथ नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। नंबर 6 की सीरीज, क्या हो जब आपको एक सुनसान आइलैंड पे छोड़ दिया जाए आपकी पूरी याददाश्त मिटाकर, तो बताइए आप कैसे सर्वाइव करिएगा। ये नंबर 6 की सीरीज अपने ट्विस्ट एंड टर्न के साथ हमारे सामने रखती है नेटफ्लिक्स की तरफ से एक्शन एडवेंचर मिस्ट्री के साथ द आइलैंड। स्टोरी भाई 10 ऐसे लोगों को एक ऐसी आइलैंड पे छोड़ दिया जाता है ये पता करने के लिए कि ये लोग कैसे आपस में सरवाइव करते हैं। लेकिन भाई इसके ट्विस्ट कहो या फिर चुतियापा, ये सब जो हो रहा है वो तो कुछ और ही है, मतलब ये सब है ही नहीं, आगे बता दिया तो स्पॉइलर हो जाएगा। इसके कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा था पर यार उस लेवल की प्रेजेंटेशन देखने को नहीं मिली, अगर होता तो वन ऑफ द बेस्ट होता। ऐसा कौन करता है यार जेल के कैदियों के साथ, आखिर उस आइलैंड पे ऐसा हो क्या रहा है, वही मिस्ट्री आपको इस सीरीज में देखकर पता करना है। सीरीज हिंदी डबिंग के साथ नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। नंबर 5 से पहले बोनस नंबर 1 की सीरीज, भाई नेटफ्लिक्स जैसा डॉक्यूमेंट्री सीरीज कोई और नहीं बना सकता। इसे देखो भाई आप कैसे यूएसए की फुटबॉल वुमेन्स वर्ल्ड कप टीम 4 बार चैंपियन रहने के बाद 5वीं बार जीतते जीतते रह गई, आखिर इतनी अच्छी टीम का डाउनफॉल हुआ कहां। यूएस वर्ल्ड कप वुमेन्स टीम की राइज एंड फॉल, जहां कई प्लेयर की कैरियर दांव पे लगी, उनकी बैक स्टोरी कैसे इनडायरेक्टली पूरी टीम इफेक्ट हुई, ऊपर से वर्ल्ड कप की प्रेशर, ये सब अलग अलग एक्सपर्ट से सुनने को मिलेंगी। नेटफ्लिक्स की तरफ से डोनेट थ्री की स्पोर्ट डॉक्यूमेंट्री ड्रामा के साथ अंडर प्रेशर द यूएस वुमेन्स वर्ल्ड कप टीम। नंबर 5 की ड्रग्स माफिया इन्वेस्टिगेशन टाइप सीरीज देखना पसंद है तो एक ट्राई इस ड्रामा सीरीज को आप दे सकते हैं, बस बिना ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन लिए, जिसे हाल ही में नेटफ्लिक्स पे हिंदी डबिंग के साथ रिलीज किया गया क्राइम एक्शन ड्रामा के साथ ब्लड कोर्ट। स्टोरी भाई एक ऐसे ही पुलिस ऑफिसर ग्रुप की है जिन्हें शहर के बड़े बड़े ड्रग्स लॉर्ड को पकड़ना है, जहां दो गैंग के बीच फाइट वॉर सीन देखने को मिलेंगी, कैसे ड्रग्स जैसी दलदल की दुनिया में इनकी गैंग छोटे छोटे लोगों को टारगेट करती है, उनकी बैक स्टोरी और बड़ी बात भाई एक छोटी सी रिवेंज भी देखने को मिलेंगी। स्पॉइलर तो नहीं दूंगा पर सीरीज आपको कनेक्टेड रखेगी, बस भाई सीरीज से ये एक्सपेक्टेशन लगाकर मत देखना कि कुछ नया एक्सपीरियंस होगा, वन टाइम मस्ट वॉच रहेगी, हिंदी डबिंग के साथ नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। नंबर 4 की नेटफ्लिक्स सीरीज, सक्सेस की वो भूख पाने के लिए आप किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो, ऐसी लड़ाई दो ब्यूटीफुल हॉट लड़कियों के बीच हो तो देखने में मजा बहुत आता है, जिसके सेकेंड सीजन हाल ही में हिंदी डबिंग के साथ रिलीज किया गया क्राइम ड्रामा के साथ एज अ क्रो फ्लीज। स्टोरी भाई दो न्यूज एंकर रिपोर्टर की है जो एक एंकरिंग की दुनिया में सबसे टॉप पर है तो दूसरी वहां तक पहुंचना चाहती है, कैसे ये ख्वाहिश धीरे धीरे पागलपन और जुनून में बदलती जाती है, यही जेलेसी यही पागलपन एक दूसरे की कमियां, वो टॉप पे पहुंचने की भूख, ये सब आपको इस टर्किश ड्रामा सीरीज में थ्रिलिंग वे में देखने को मिलेंगी। आखिर इस लड़ाई में जीत किसकी होगी वो तो भाई आप इस ड्रामा सीरीज में देखो। नेटफ्लिक्स की तरफ से है तो भाई प्रोडक्शन टॉप क्लास की देखने को मिलेंगी, कैसे आपके आइडियल जब उसकी सच्चाई पता चलता है तो एक झटके में आपकी जज्बात बदल जाती है, ये सब देखने को मिलेंगी। सीरीज हिंदी डबिंग के साथ नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, एक ट्राई देकर देखिए। नंबर 3 से पहले बोनस नंबर 2 की सीरीज, यार एक बार फिर से नेटफ्लिक्स अपनी फैंटेसी दुनिया से हमारी दिल जीत लिया, मरने के बाद भी देवताओं की दुनिया से एक बार फिर से जिंदा होने का मौका मिले और सुपर पावर के साथ, उसके बदले आपको स्पिरिट वर्ल्ड का इन्वेस्टिगेटर बनना होगा सुपर नेचुरल मॉन्स्टर डीमन को इस इंसानी दुनिया से मार गिराने के लिए। स्टोरी और इनकी फैंटेसी दुनिया नेटफ्लिक्स की तरफ से हो तो ये जैपनीज लाइव एक्शन सीरीज आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी, जिसे हाल ही में नेटफ्लिक्स पे हिंदी डबिंग के साथ रिलीज किया गया फैंटेसी एडवेंचर के साथ यू यू हकुसु।
नाम थोड़ा अजीब है पर भाई सीरीज खतरनाक है। फैंटेसी और तोड़ फोड़ एक्शन के डाई हार्ट फैन है तो डेफिनेटली बेहिचक इस ड्रामा सीरीज को आप देखना स्टार्ट करिए। मूवी नेटफ्लिक्स की कमाल की हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 3 की सीरीज जब अपने ही दो भाइयों को एक ही लड़की से प्यार हो जाए तो ऐसी डबल इमोशन ट्राइंगल लव स्टोरी काफी कमाल की होती है। एक और नेटफ्लिक्स की तरफ से बेहतरीन रोमांस ड्रामा 23 की माई लाइफ विद द वॉल्टर बॉयज। स्टोरी भाई एक टीनेज लड़की जैकी की है जिनके माता पिता का एक एक्सीडेंट की वजह से उनकी मौत हो जाती है। मरने से पहले उनकी माँ वसीयत में उनकी कस्टडी अपने सबसे करीबी दोस्त को दे जाती है। ट्विस्ट तो ये है कि उनके खुद के 10 बच्चे हैं, वहाँ जैकी को रहना है। क्या जैकी उनके फैमिली और उन बच्चों के साथ एडजस्ट कर पाएगी, वो भाई आप इस सीरीज में देखो। उसके बाद वो छोटी छोटी प्रॉब्लम उनकी खट्टी मीठी लड़ाइयाँ कैसे धीरे धीरे करके उनकी माहौल में ढालती है। सीरीज इंटरेस्टिंग तो तब हो जाती है जब वॉल्टर बॉयज के साथ वो ट्राइंगल वाला लव इमोशंस पनपता है जो देखने में भाई मजा आता है। सीरीज से आपको चिपका कर रखेगी और यकीन मानो भाई पूरे 10 एपिसोड है पर आपको कहीं पे भी बोर नहीं करेगी। ऊपर से नेटफ्लिक्स की हिंदी डबिंग आपको पूरा देख जाने पर मजबूर करेगी। नंबर 2 की नेटफ्लिक्स सीरीज भाई वही टिपिकल दुनिया को बचाने वाला पर भाई प्रेजेंटेशन एकदम टॉप लेवल की, एक पल के लिए भी स्क्रीन से नजरें हटाने का मौका नहीं देती। जी हां भाई, हम बात करें जिससे हाल ही में नेटफ्लिक्स पे हिंदी डबिंग के साथ रिलीज किया गया 23 की एक्शन एडवेंचर के साथ T-rated। एक ऐसा बॉम्ब अगर फटा तो पूरे शहर के साथ पूरे दुनिया में इफेक्ट होगा जिसे कुछ जवाब स्पेशल फोर्सेस को रोकना है। इनके टीम में एक से बढ़कर एक नमूने और पागलपन के साथ सन की लोग भरे पड़े हैं पर ये लोगों को अपने काम बेखूबी आता है, अपने काम में सबसे बेस्ट है और यही पागलपन की सीरीज की सबसे बड़ी पॉजिटिव पॉइंट है। भले आपका कॉन्सेप्ट नया ना हो पर आप किस तरह से दिखाते हैं ये मायने रखता है। स्टार्टिंग से ही भाई ये सीरीज एकदम फास्ट फॉरवर्ड में चलती है, आपको स्क्रीन से नजरें हटाने का मौका नहीं देती। हर एक कैरेक्टर की एक्टिंग एकदम मुफट एंड सन की वाला, उनके गाली को भी हमारी लैंग्वेज में हमारी तरीके से डब किया है जो टाइमिंग के साथ काफी कूल लगता है। और हाँ, सीरीज में न्यूड बोल्ड और बेड सीन है तो स्ट्रिक्टली 18+ है, भूलकर भी फैमिली के साथ ना देखिएगा। और यकीन मानो सच में भाई इनकी बॉस काफी हॉट है, डेफिनेटली आप इस सीरीज को एक्सपीरियंस करो। नंबर 1 से पहले बोनस नंबर 3 की सीरीज भाई नेटफ्लिक्स हमेशा से दुनिया के कोने कोने से फ्रेश और क्वालिटी कंटेंट हमारे सामने रखा है, वो भी वर्ल्ड क्लास हिंदी डबिंग के साथ। बात कोरिया की हो तो उनकी इम्प्लीमेंटेशन और प्रेजेंटेशन हमने ही रखा है। मिस्ट्री थोड़ी मॉन्स्टर थोड़ी सर्वाइवल थोड़ी हॉरर एलिमेंट टाइप हो तो भाई एक एक सीन नजरें हटाने नहीं देती। जी हाँ भाई, हम बात करें जिसके सेकंड सीजन हाल ही में हिंदी डबिंग के साथ रिलीज किया गया हॉरर मिस्ट्री सर्वाइवल के साथ स्वीट होम। ऐसी सीरीज के बारे में बताने की जरूरत नहीं भाई, सीधा जाकर एक्सपीरियंस करो। नंबर 1 की सीरीज भाई यादें ताजा फिर से हो गई, वो मास्टर प्लान एक बार फिर से बनेगा, वो स्वैग वही प्लानिंग के साथ एक बार फिर से चोरी होगा। यकीन मानो जिसे एक्सपीरियंस करने में मजा बहुत आएगा। जिसे हाल ही में नेटफ्लिक्स पे हिंदी डबिंग के साथ रिलीज किया गया मोस्ट पॉपुलर मनी हाइस्ट की दुनिया से एक्शन क्राइम ड्रामा के साथ बर्लिन। स्टोरी वही भाई एक बार फिर से इतिहास का बड़ा चोरी किया जाएगा जहां बर्लिन के कैरेक्टर पे फोकस्ड होगा जो मनी हाइस्ट में प्रोफेसर के भाई का किरदार निभा चुके हैं। जहां एक तरफ बर्लिन का प्यार है तो दूसरी तरफ इतिहास का सबसे बड़ा चोरी। आखिर बर्लिन किसे चुनेगा, प्यार या फिर दोनों को? ये सारी एक्सपीरियंस आप भाई इस ड्रामा सीरीज को देख कर करो। बस भाई सबसे बड़ा गलती मत करना इस सीरीज को मनी हाइस्ट से कंपेयर करके। कई जगह पे आपको लगेगा कि ये तो मनी हाइस्ट का कॉपी हुआ, फिर बस इस चीज को इग्नोर करना। बाकी डेफिनेटली आप इस सीरीज को देखो, टॉप क्लास की हिंदी डबिंग के साथ नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल। तो आइए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे टॉप रिव्यू टेलीग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, मिलते हैं ऐसे ही क्वालिटी के साथ।